जखियोल से मुनोह को जाने वाली इस सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि गाड़ियों में तो दूर लोगों का पैदल चलना भी दूर हो गया है। लोग कई बार सड़क की समस्या के बारे में एसडीओ और प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं हुआ। जरा सी बरसात होने पर सड़क की सारी बजरी उखड़ जाती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क के दोनों किनारे नालियां बनाई जाएं और जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक किया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को राहत मिल सके। आपको बता दें कि आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोगों को सड़क की सुविधा तो है, लेकिन वो केवल नाम मात्र। जहां पर लोग गाड़ियों में तो क्या, पैदल भी सड़कों पर नहीं चल सकते। रात को अगर किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल लेके जाना हो तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव के व्यक्ति ने बताया कि सड़क की हालत खस्ता होने के कारण कई बार गाड़ियां फंस जाती हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के बारे में कई बार एसडीओ व प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का हल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी सड़क के किनारे एक स्कूल पड़ता है। बरसात होने पर बच्चों को स्कूल जाने के लिए काफी मुश्किलें होती हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सड़क के किनारे नालियां बनाई जाएं और जल्द से जल्द सड़क को ठीक किया जाए ताकि लोगों को आने जाने के लिए समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन दिक्कत आ रही है, नालियाँ बनने की वजह से ये सारा खराब हो चुका है। हमने सरकार से कैंपर क्लास में दोनों तरफ नालियाँ बनाओ, नालियाँ बनाने जा रही है। जब तक नालियाँ में रोज गाड़ियाँ फंसती है कोई ना कोई, यहाँ गाड़ी चलाने में बहुत बहुत दिक्कत आती है। आप देख रहे रोड की कैसे रोड है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं इस रोड को की तरह खड्डे पड़े हुए हैं, ठीक है। हमने एस टी ओ जे को सबको बताया इसको के बारे में, तो कोई हमारी सुनता नहीं है। हमने प्रशासन से पहली बार 2-3 बार पहले बोला था कि यहाँ नालियाँ बनाओ, 2 साल पहले की बात है, तब बरसात हुई थी, तब भी नालियाँ नहीं बनी। अफसर से घर भी है और ना साथ में स्कूल है, स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत है। यहाँ से पत्थर खिसकते हैं और सीधे घर के अंदर बढ़ जाते हैं। यहाँ जैसे एक बार बस यहाँ गिर गई थी, थोड़ा बचाव रहा, यहाँ बस भी गिर सकती है, कोई बड़ा हादसा होने के लिए भी यार यहाँ पे सड़क का देखो कैसी हालत हुई सड़क की। भाई सुन गिरा तो क्या बात बताएं आपको, यहाँ आए हैं तो उनको हमने अपनी समस्या बताई है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। आप दिखते हैं स्कूल तक यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, पूरा रोड खराब हो चुका है यहाँ पे। आगे स्कूल अभी स्कूल बंद है और आगे आपको बताया कि स्कूल खुल जाएंगे तो यहाँ आने जाना बहुत मुश्किल होता है। किसके बच्चे के साथ दूर करना उसकी है, यहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं साथ में, तो हमारा घर भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने बताया कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि गाड़ियों को चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर रात को किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल लेके जाना हो तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क को ठीक किया जाए ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। गाड़ी नीचे लग रही है, रोड की बड़ी बुरी हालत है और गाड़ी चढ़ भी कहां पाएगी ऊपर, गाड़ी नीचे लग रही है, बहुत बुरी हालत है रोड की। सबसे मांग है कि रोड को पक्का किया जाए ना, इसको बहुत परेशानी हो रही है। रात को कहीं जाना है तो कैसे जाएंगे।